नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे का सिटी सेंटर रीवा। मेरे साथ देखिए दिन भर रीवा में क्या घटा, क्या कुछ हुआ। महिलाओं को कैंसर से बचाने और उनकी जांच के लिए इनर व्हील क्लब के द्वारा लगाया गया विशेष शिविर। आयोजन रीवा सतना मैहर की इनर व्हील क्लब द्वारा प्रार्थना हॉस्पिटल समान बस स्टैंड के पास किया गया। अग्रवाल प्रार्थना हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर से, आज हम लोगों ने यहाँ पे इनर व्हील क्लब ऑफ रीवा मेराकी, इनर व्हील क्लब सतना उद्गम और इनर व्हील क्लब मैहर के सहयोग से एक सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग का कैंप आयोजित किया था। सर्वाइकल कैंसर जो कि एक बहुत ही भयावह, भारत में पाया जाने वाला दूसरे नंबर का कैंसर है, किंतु पूरी तरह से इसको रोका जा सकता है एक छोटे से पैप स्मीयर नाम के टेस्ट के द्वारा। आमतौर पर महिलाएं इसके लिए जागरूक नहीं होती हैं, या उन्हें ये नहीं पता होता है कि हम कहाँ जाके इसे कराएं, या शायद पैसों की दिक्कत की वजह से ये टेस्ट नहीं कराना चाहती हैं। तो इसी सब जो स्पेसेस थे उसको भरने के लिए आज हमने ये कैंप आयोजित किया। आज हमने यहाँ पे सभी महिलाओं को पैप स्मीयर के बारे में जानकारी दी है। ये टेस्ट बिल्कुल 100 रुपये में इनर व्हील क्लब के द्वारा यहाँ पर कराया जा रहा है। इस टेस्ट की रिपोर्ट सभी मरीजों को, सभी जो भी महिलाएं इसके लिए आज यहाँ पे रजिस्टर कराएंगी, टेस्ट की रिपोर्ट उनको घर तक पहुँचाई जाएंगी, और उसके बाद प्रथम कंसल्टेशन उस टेस्ट से रिलेटेड या किसी और समस्या से रिलेटेड बिल्कुल फ्री प्रार्थना हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर में दिया जाएगा। तो मेरा सभी महिलाओं से अनुरोध है कि इस कैंप का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएँ। इसके बाद भी वो कभी भी प्रार्थना हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर में इसके लिए संपर्क कर सकती है। हम सभी महिलाओं की मदद करने के लिए हमेशा ही तत्पर रहेंगे, और हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम सर्वाइकल कैंसर को रीवा से कम जितना कम कर सके, उसमें थोड़ा भी सहयोग दे पाए तो हम अपने आप को बहुत ही धन्य मानेंगे। थैंक यू। आमतौर पर सर्वाइकल कैंसर के सिम्टम होते हैं महावारी में अनियमितता, किसी भी तरह का बदबूदार पानी जाना, खुजली होना, नीचे की तरफ दर्द रहना, वजन कम होना, यही आमतौर पर लक्षण पाए जाते हैं सर्वाइकल कैंसर के। अभी तो हम स्क्रीनिंग शुरू करने जा रहे हैं, पर आप विश्वास मानिए, हर 2 दिन में मैं एक महिला सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित प्रार्थना हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर में देख रही हूँ। और अगर शासकीय की बात की जाए तो प्रतिदिन 2 या 3 महिलाएँ इससे पीड़ित आती हैं। तो ये देख के बहुत ही दुख होता है कि ऐसा कैंसर जिसको हम पहले रोक सकते हैं, पता कर सकते हैं, जागरूकता की कमी की वजह से महिलाओं को सुगम रूप से नहीं मिल पा रहा है। दिन भर की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।